पार्टी द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आप यूथ विंग ने भगवानगंज चौराहा पहुंचकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द की जाए एवं भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की जाए। प्रदेश संयुक्त सचिव डॉ धनेन्द्र जैन ने कहा कि पटवारी चयन परीक्षा में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कैसे एक ही परीक्षा केंद्र से इतने छात्र एक ही परीक्षा केंद्र से पास हो सकते हैं, इसकी जांच कर ठोस कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों युवाओं ने परीक्षा में सम्मिलित होकर अपना सरकारी नौकरी का सपना पाले हुए, वो सरकारी नौकरी में सम्मिलित हुए और उन्होंने दिन रात मेहनत की और चयन के अंतिम चरण तक उन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए। लेकिन अचानक से कई सेंटरों में, जैसे जिसमें ग्वालियर का एक सेंटर है NRI कॉलेज, यहाँ से टॉपर्स एक ही कॉलेज से सिलेक्ट हुए, टॉप 10 टॉपर्स वहाँ से सिलेक्ट हुए हैं और उसमें कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पैसे दे करके छात्रों का चयन किया गया है। सेंटर संचालक और परीक्षा नियंत्रक की मिलीभगत से ये परीक्षा आयोजित की गई है और लाखों छात्रों के साथ छलावा किया गया है। सरकारी नौकरी एक युवा का सपना होता है और वो दिन रात तैयारी करता है, उसके साथ ये भ्रष्टाचार हुआ है और इसी के खिलाफ सागर में यूथ विंग द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है ताकि युवाओं को न्याय मिले और वो सरकार से अपनी ये जो है परीक्षा निरस्त करने की मांग करते हुए यूथ विंग जिला सागर इसकी मांग करता है। EMS TV के लिए सागर से संवाददाता निखिल सोधिया की रिपोर्ट।